तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ नया सीखते हैं। भाई साहब के लिए हमेशा कुछ ना कुछ हट के नया लेके आते हैं, तो फ्रेंड्स आज भी भाई साहब के लिए कुछ हट के नया लेके आए। तो आज फ्रेंड्स जो है, मैं यूट्यूब का जो हैंडल है वो कैसे यूज़ करते हैं, ये किस तरीके से आपको मिलता है, ये क्या काम आता है, इसके बारे में पूरी डिटेल से A to Z जितनी मुझे जानकारी है वो सारी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिए भाई साहब के साथ में। ये जो है फ्रेंड्स, यूट्यूब की तरफ से दिया गया, जैसे ट्विटर हैंडल होता है वैसे यूट्यूब का एक हैंडल है जो कि यूट्यूबर्स को मिलते हैं। यूट्यूबर्स क्या होते हैं कि कई फ्रॉड वाले होते हैं जो कि नए यूट्यूबर्स के साथ उनके वीडियो, उनके जो कंटेंट है, उनकी आईडी सब कुछ चुरा लेते हैं। पर ये जो हैंडल होता है वो उनके जीमेल पे जाता है, जो एक मतलब सौ में से भीड़ को जो पहचानने की चीज़ होती है वो यही होती है कि सही यूट्यूबर को सही चीज़ मिल जाए, यानी उसको अपनी पहचान मिल जाए। तो ये हैंडल जो होता है ये उसकी एक पहचान समझिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा और किस तरीके से इसको बनाना है, तो फ्रेंड्स क्या है कि जैसे कस्टम यूआरएल में जो हैंडल है ना, वो कई बार तो हमारे जो यूट्यूब का नाम होता है उसी के अकॉर्डिंग ही हमको मिल जाता है, उसमें कोई भी कस्टमाइज नहीं करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, जो थोड़ा बहुत आप नया यूनिक और भी चाहते हो तो उसमें थोड़ा कस्टमाइज आप कर सकते हो। तो वो कैसे करना है वो ही मैं प्रोसेस पूरा आपको करके बता रही हूँ। तो आपको क्या है, एक जीमेल में जाना है, तो चलिए जीमेल में बताते हैं कैसे करना है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमारे क्रोम के अंदर चलेंगे और YT स्टूडियो के अंदर चलेंगे। तो ये देखिए ऊपर की तरफ थोड़ा सा हम जो है मोबाइल से बना रहे हैं, आपको स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं कि स्टैंड आउट एंड हेल्प पीपुल फाइंड एंड कनेक्ट विथ बाय चूजिंग ये यूनिक जो है हैंडल, तो चूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने पहले से ही कस्टम नाम से डाल रखा था, तो ये ही रिजर्व हो गया है, तो ये आप ले मतलब मुझे मिल जाएगा। तो ये जो होता है ये ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए योर एडिशनल चैनल यूआरएल ये हो चुका है हमारा। तो ये देखिए ये कॉपी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी हम कहीं कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो ये हैंडल देंगे, तो ये हमारा जो है हमारी अलग से पहचान तैयार कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, देखो जीमेल में जाना है, चेंज करना है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये जिस जीमेल पे आएगा आपके, जिस पे आपने यूट्यूब चैनल बना रखा है, तो ये वहाँ जब आप जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो देखिए आपके नाम से आएगा, यू कैन चूज योर चैनल्स हैंडल, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे यदि आप कोई दूसरा और नेम से चाहते हो तो यहाँ इस तरीके से आएंगे। हाँ जो है फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको वापस से करके ये फ्रेंड्स इसलिए चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मैंने जस्ट ही चेंज किया है ना, तो हैंडल अभी चेंज नहीं होगा, ये 14 डे बाद होगा, इस वजह से चेंज नहीं हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग में तीन ऑप्शन आते हैं कि आप कोई सा भी एक चूज कर सकते हो, तो मैंने क्या किया था, ये वाला ही हैंडल जो मेरे चैनल का नाम था वो ही मुझे रिजर्व हो रहा था, तो मैंने वो ही चूज कर लिया था, इस वजह से मुझे यही मिल गया। अब बार बार चेंज होता नहीं है, 14 डे के बाद यदि चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे स्टार्टिंग में तीन ऑप्शन मिले थे कि इनमें से आप कोई सा भी एक नाम चूज कर सकते हो, तो मैंने यही नाम चूज किया था क्योंकि ये मेरे चैनल का नाम था और यही मुझे मिल गया था, तो इस वजह से मैंने यही लिया था। ये क्या है फ्रेंड्स, आपको भीड़ से अलग कर देता है। भीड़ हैंडल जो है फ्रेंड्स वो आपको
एक यूनिक नेम हो जाता है जिसको आप कहीं भी बैठ के मतलब ढूंढ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये मतलब स्पेसिफिक नेम हो गया जो नए यूट्यूबर्स है उनको थोड़ी सी अच्छे से पहचान हो जाती है, उनकी अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। वो जो नए नकलची है उनसे आप बच सकते हो इसके थ्रू, और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो। तो बाइसा का ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।